बादशाह 4 साल के बच्चे को जिंदा निकाला, महिला का शव भी बरामद, एनडीआरएफ टीम का बचाव कार्य जारी। रायगढ़ जिले के महाड़ में सोमवार शाम को हुए बिल्डिंग हादसे में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। ताजा सूचना के अनुसार टीम ने एक 4 साल के बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया है, वहीं एक महिला का शव भी बाहर निकाला है, जबकि अभी भी 50 से अधिक लोगों के दबे होने की खबर है, जिन्हें निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में लगी है। शुरुआती दौर में यहां 200 से अधिक लोगों के फंसे होने की खबर थी। इस बारे में ताज़ा जानकारी देते हुए महाड़ की नगरा अध्यक्ष स्नेहल जगताप ने कहा कि फिलहाल मलबे में दबे हुए लोगों को निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस हादसे के लिए दोषी कौन है। महाड़ इलाके में स्थित तारिक गार्डन नामक यह इमारत सिर्फ 10 साल पुरानी है। भारी बारिश के कारण बीती शाम भड़बड़ाकर गिर पड़ी। इस बिल्डिंग में कुल 48 फ्लैट हैं, जहां 50 परिवार रहते थे। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण कुछ परिवार बाहर चले गए थे, वहीं बिल्डिंग के हादसे के दौरान भी 35 लोग भागकर बाहर निकल गए, जिससे कई लोगों की जान बच गई। एनडीआरएफ की टीम दबे हुए लोगों को निकालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।